नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी परिसर में मिला मजदूर का शव, आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। ठेकेदार सहित दो पर आरोप, मजदूर के नाम फर्जी फॉर्म बनाकर किया करोड़ों का घपला। आयकर विभाग ने दिया था हाल ही में उसे नोटिस। मृतक के रिश्तेदार की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज, शहर थाना में हुआ है मामला दर्ज। थाना प्रभारी विनोद काजला ने दी है पूरे मामले की जानकारी। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। कल शाम को CDLU में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है, वहाँ पे घटना हुई है। सुरेश कुमार, उम्र करीब 36 साल, इसकी मौत हुई है। जिस संबंध में इसका रिलेटिव है, इसका साला सुरेंद्र कुमार बादर से, उसकी दरखास्त है, हमने 302 का मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो फैक्ट सामने आएंगे। दो ठेकेदारों के खिलाफ ये प्रचार दर्ज है कि उन्होंने धोखे से बुला के इसको गंभीर चोटें मारी हैं, जिनके नाम प्रमोद चंद और पवन गोयल है। मेरा श्रेष्ठ छोटा ब्रदर है जो गुजरे ए शेड्यूल में, पवन और उसके उनके पास नौकरी करता था, अपने कॉन्ट्रैक्टरों के पास में। इनके नाम एक फर्जी को वो बनाएगी कंपनी, और उसके अंदर इन्होंने काफ़ी करोड़ का घपला किया। और जो कि ये तो एक छोटा सा मजदूर है, अभी तक इसको पता ही नहीं मेरे पास क्या हो रहा है। इन्होंने 4 तारीख को जैसे इसको पता लगा, ये गया और कह भाई सोच दादे 5 को नहीं दिया, तो 6 हो गया। तो इन्होंने शाम को उसको छोटे मार के उसकी हत्या कर दी। हमारे को 4 तारीख को पता लग गया था भाई इन्होंने ये करा है। इनकम टैक्स तौर से मेरे पास सूचना आ गई थी हमारे पास, तो ये तो मजदूर आदमी से कैसे करोड़ रुपये कमा काम कर लेगा। जैसे घर में रोटी खाने की नहीं हो, 300 रुपये मजदूरी करता हो, कैसे करोड़ रुपये कंपनी बना देगा। इस मसले पर बात हुई थी ठेकेदार ना, ठेकेदार से बात हुई थी, बोला मैं भर दूंगा, उसने कुछ नहीं भरा। कौन सर के बुला लिया, बुला के सर काम कर दिया सर। अब क्या रोक है हैं हमारे में, हमारी हत्या करेगी बच्चे की, इसके न्याय मिलना चाहिए हमारे को। दोषियों के खिलाफ करेगी, और कोई अन्य भी है तो उनको भी खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो जिस पर फर्म है उसकी भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए।